सुप्रीम कोर्ट से पूरे प्रदेश में बजरी दोहन, परिवहन और संग्रहण पर लगाई रोक के बाद ही टोंक जिले में चल रहे बजरी के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर के स्तर से गठित एसआईटी ने यह कार्रवाई टोंक निवाई और पीपलू उपखंड क्षेत्र में की है। पिछले 24 घंटे में की गई इस कार्रवाई के दौरान बजरी से उभे भरे 35 वाहनों के अलावा बजरी रेकी के लिए जिस कार का इस्तेमाल करते थे वह कार, दो बाइक भी जब्त की गई है। बजरी के अवैध कारोबार में लिप्त 16 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एसआईटी ने पहली बड़ी कार्रवाई पिपलू उपखंड अधिकारी के लक्ष्मी नारायण बुनकर और वृत्त अधिकारी रामगोपाल बसवाल के नेतृत्व में की। यहां से बजरी से भरे 8 डंपर, 2 ट्रेलर, 3 ट्रैक्टर ट्रोली, रेकी में उपायुक्त कार, बाइक सीज किए गए हैं और इस कारोबार में लिप्त कुल 16 लोगों को गिरफ्तार